दिल्ली सरकार ने व्यावसायिक वाहनों के 9 महीने के रोड टैक्स के भुगतान पर जुर्माना माफ कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा ऑर्डर भी जारी किया गया है, जिसमें 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक टैक्स लेने वाले प्राधिकरण से रोड टैक्स के भुगतान का जुर्माना न लेने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इसको लेकर ट्रांसपोर्टर संचालकों ने नाखुशी जाहिर की है। इस संबंध में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार मुश्किल समय में हमेशा आम आदमी के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने कोविड के मद्देनज़र 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच रोड टैक्स के भुगतान पर जुर्माना माफ़ कर दिया है। वहीं दिल्ली परिवहन विभाग ने 1.5 साल में दूसरी बार ऑटो किराए के संबंध में अधिसूचना जारी की है। हालांकि ऑटो किराया जून 2019 में जारी हुई अधिसूचना के अनुसार ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। इस अधिसूचना के दोबारा जारी होने के बाद से ऑटो चालकों के मीटर पास होने का काम फिर से शुरू हो जाएगा, जिससे ऑटो की फिटनेस भी हो सकेगी। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।